जनपद पिथौरागढ़ में आज प्रसिद्ध मकर संक्रांति पर्व की धूम मची हुई है। तहसील थल में इस पर्व को कुछ खास अंदाज से मनाया जाता है। आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा पहाड़ों में माघ मास के पवित्र महीने का आगमन होता है। हालांकि लोग आज प्रातः काल में विशेष व्यंजन बनाकर केवे को बुलाकर विशेष प्रकार का भोजन कराते हैं। तत्पश्चात नदी में जाकर स्नान कर महादेव के मंदिर में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ जीवन में प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार की इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पिथौरागढ़ से दीपक जोशी की रिपोर्ट। महादेव मंदिर ये सबसे ऐतिहासिक प्लेस है। यहाँ पर हर साल आज से नहीं बहुत पुराने समय से ये पर्व चला आया है। जब सूर्य उत्तरायण को आता है, मकर में आता है, तो यह पर्व मनाया जाता है। मंदिर में सब लोग श्रद्धा पूर्वक अपने पूजा पाठ के लिए आते हैं। पावन पर्व आज से सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है और मकर संक्रांति आज से जो है हेमंत ऋतु समाप्त होकर शिशिर ऋतु का प्रारंभ हो गया है। आज से जो है माघ का महीना, परम पवित्र जो माघ का महीना है, यह शुरू हो गया है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ के महीने में जो है संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन नदी में जो है गंगा तीर्थ में स्नान करने से जो पुण्य पवित्र फल जो है प्रदान मनुष्य को होता है, पुण्य फल जो है उन्हें मिलते हैं, जो भी पाप इत्यादि हैं सब उनके दूर हो जाते हैं और मनवांछित फल उन्हें प्राप्त होता है। तो आज भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना भी की जाती है। सभी भक्तगण सुबह से ही आज भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और गंगा जल इत्यादि शिवलिंग में चलाया जाता है। इसका बहुत ही विशेष महत्व है। शिवलिंग पर गंगा जल और जो बेलपत्री इत्यादि चलाए जाते हैं, उससे मनुष्य की जो है मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। और साथ ही आज से शिशिर ऋतु का आरंभ हो गया है, माघ का परम पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस माघ के महीने में सभी लोग स्नान इत्यादि गंगा तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं और पूजा अर्चना का विशेष महत्व इस माघ के महीने में कहा जाता है।